यहाँ पर विधानसभा के सामने एक व्यक्ति प्रदर्शन कर रहा है, आपका क्या नाम है? रविंद्र सिंह आनंद। आनंद जी, बचो। रविंद्र सिंह आनंद, देखिए प्रदर्शन कर रहा था व्यक्ति जिसको को पुलिस ने अभी उठा लिया है विधानसभा के सामने से। ये प्रदर्शन गैरसैंण में सत्र ना होने के चलते एक नाराजगी है लोगों की, जिसको लेकर के यहाँ पर एक प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसे पुलिस ने इस वक्त डिटेन कर लिया है और गाड़ी में उठा करके लेके जा रहे हैं। लगातार नारे लगाए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ। इस व्यक्ति का कहना था कि जिस तरह से गैरसैंण में सत्र होना था और उसको हटा करके देहरादून में कर दिया गया, उससे काफ़ी नाराजगी है पहाड़ियों में, क्योंकि गैरसैंण हमेशा से उत्तराखंड के आंदोलन का एक हिस्सा रहा है। उत्तराखंड के आंदोलनकारी हमेशा से गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड के कुछ विधायकों ने चिट्ठी लिख करके सरकार से गैरसैंण में सत्र ना कराए जाने को लेकर के मांग की थी, उससे नाराजगी है। आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इसको लेकर के धरने पर बैठे हैं, वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी क्रम में एक ये प्रदर्शन इस व्यक्ति के द्वारा किया जाना था विधानसभा के सामने, जिसके बाद इसे पुलिस ने यहाँ से उठा लिया है। और एक बड़ी नाराज़गी है उत्तराखंड के लोगों में इस चीज़ को लेकर के कि राजधानी देहरादून को स्थापित कर दिया गया है, गैरसैंण से नाराज़गी दिखा रहे हैं लगातार विधायक। उनको ठंड लग रही है, इसका कहना था व्यक्ति का कि पहाड़ी व्यक्ति को ठंड नहीं लगती है। जिस तरह से उत्तराखंड के विधायकों ने विधानसभा सत्र को देहरादून में कराए जाने को लेकर के मांग की थी, उससे कई लोगों में नाराज़गी देखने को मिल रही है। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।